नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस्लाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहां पर आपके मैरिज, ग्रोथ, खुद का घर बार होने के योग, आगे कैसा प्रोस्पेक्ट लाइफ का रहने वाला है, पारिवारिक सुख मिलेगा या नहीं, घर पर रहना सही है या बाहर रहना सही है, इन सब के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो इतना बैड कंडीशन था ये लाइफ में अब नहीं आएगा, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाग्य उदय आपका 40 की उम्र से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आइए, आपका यहाँ पर ये राइट पाम है और ये राइट पाम से जो ये रेखा निकल के गुरु की ओर गई है। गुरु व्यक्ति को नॉर्मली जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस करवाता है, साथ ही साथ यहाँ पर जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे, जो भी काम करेंगे, जैसे व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार में अचानक से बहुत ऊंचे लेवल तक आप जाएंगे। अच्छी लग्जरियस लाइफ रहेगी, हर प्रकार की सुख सुविधा आपको मिलेगी और ये भाग्य उदय आपको 40 से लेकर 45 एज के बीच में ही देखने को मिल रहा है। सेल्फ मेड लक लाइन है, यानी खुद के प्रयास और खुद के कर्मों से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फेट लाइन पर आते हैं तो शनि की फेट लाइन देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये आपकी चंद्र से प्रारंभ हुई है। चंद्र से प्रारंभ होने वाली भाग्य रेखा मदर से अच्छे कनेक्शन को इंडिकेट करती है और साथ ही साथ जन्म स्थान से दूर ही व्यक्ति को उन्नति दिलाती है। अब ये यहाँ पर माइंड लाइन पर आकर के रुक गई है और ये जो एज है 34 अप्रोक्स है, और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो कोई ऐसा यहाँ पर लाइन प्रोमिनेंट नहीं है फेट के अकॉर्डिंगली, लेकिन तकरीबन 38 एज के बाद से वापस से आपका जो है बहुत अच्छी भाग्य रेखा निकली हुई है और उसके बाद ये जो है रेखा है कंटिन्यू आगे इस प्रकार से चलती जा रही है। तो 38 एज, 40 और 45, ये जो एज है आपका भाग्य उन्नति का ही नहीं बल्कि जीवन में एक अलग ही रूप यहाँ पर लेने वाला रहेगा और हर प्रकार की सुख सुविधा, मैरिज भी जो है 38 और 45 के बीच में जो है होने के योग, बच्चे भी, पारिवारिक सांसारिक सुख, सारी ये चीज़ें मिलने के साथ साथ खुद का घर बार होने के योग भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम में मैं एक इंडिकेशन है जो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम में देखेंगे तो इधर पर आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्लियर कट देखने को मिलेगा। ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है ये यहाँ पर क्रिएट हो रहा है 39 की उम्र से लेकर के तकरीबन 44 के बीच में। तो इस उम्र में खुद का घर बार भी होने के योग के साथ साथ अच्छा गाड़ी बंगला और जो भी आपकी लग्जरियस आइटम से रिलेटेड या अपने ड्रीम से रिलेटेड मनोकामना है, खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो होने के चांसेस पूरे ब्राइट हैं। उसके पहले भी आप देख पाएंगे कि एक छोटा सा जो है ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है क्योंकि इसमें एक प्रकार से राहु रेखा का किरदार जो है बहुत ही सीधे रूप से देखने को मिलेगा और ये राहु रेखा के ही योग के कारण और जो मंगल तक इस प्रकार से जा रही है, यही रिलेशंस में ब्रेक होने के योगों को इंडिकेट करता है। रिश्ते टूटते भी हैं और प्रॉपरली हो भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये जो सेकंड वाला है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और इसमें कोई ऐसा ट्रबल या कोई ऐसी राहु रेखा यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये जो पीरियड रहेगा इस टाइम पे आपका खुद का घर बार होने का योग भी बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेगा। तो यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर फिंगर का एनालाइज कर आप सभी के सामने पूरे पाम का एनालाइज कर व्यक्त करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ पे, तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। क्विक एक्शन, डिसीजन या रिस्पॉन्स देना, इस प्रकार का नेचर देखने को मिलता है। किसी भी चीज़ के लिए पेशेंस यानी सब्र, धैर्य नहीं रह पाती है और रिजल्ट की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जैसे लोगों का प्रोग्रेस जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं उतना ज़्यादा वो देखने को मिलता है, क्योंकि किसी के अंडर में रह करके आप जो है कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, वहीं अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऐसे सारे कामों में आपको ग्रोथ, सक्सेस अच्छा मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा ये प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करता है, जैसे स्ट्रेंजर से बात करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या अपोजिट जेंडर के प्रति शर्मिलापन। रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन भी थोड़ा कम देखने को मिलता है, यानी पंचुअलिटी थोड़ी सी कम होती है और किसी भी वर्क का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा वीक देखने को मिलता है। तो इसमें कोई भी बात का बुरा नहीं मानिएगा या फिर अपने आप को इतना ज़्यादा गलत या फिर किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा डीपली मत लीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट समझ लीजिए यहाँ पे कि क्या कमी है क्या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली सुधार आप इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर लिटिल फिंगर एकदम स्ट्रेट खड़ी है, तो आपके लिए ना मनी इंपॉर्टेंट है ना नेम फेम इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस भी आपकी लाइफ में ज़्यादा है। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ ज़्यादा है तो ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो लाइफ में रिस्क लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे और साथ ही साथ सोसाइटी में स्टेटस भी आपका अच्छा रहने वाला है और यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके अंदर रहेगी।
फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है जो अच्छे फ्रेंडली नेचर यानी मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, तो इस कारण हर परिस्थिति माहौल में आप ढल जाने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। फिंगर के फैलेंजेस देखें तो अच्छे हैं, अंदरूनी मंगल नॉर्मल है, बाहरी मंगल अच्छा विकसित है, तो इस कारण से शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा अच्छा देखने को मिलेगा, तो हेल्थ रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम या तकलीफ नहीं है। थंब जैसे यहाँ पर शॉर्ट है तो ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप प्लानिंग ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा जो थंब है पीछे अगर बैंड हो रहा है तो आप सबको माफ़ कर देंगे जीवन में, आपको चाहे कोई मार भी जाएगा बाद में आकर के रो दे, आप माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर को यहाँ पर बताता है और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण डिसीजंस जो आप लेते हैं उसमें बहुत जल्दी समय के अनुसार चेंजेस को भी अडॉप्ट कर लेने वाले आप रहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो यव का जो साइन है ये भी डेवलप हुआ है, तो इस कारण से सिक्स्थ सेंस इम्प्रूव होगा आपका अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अदरवाइज़ अच्छे धार्मिक रहेंगे, जीवन में धन भी अच्छा रहेगा, ग्रेसिपिंग स्किल बहुत अच्छी है, कोई भी चीज़ सीखने व समझने की क्षमता आपकी बहुत अच्छी है, तो इस कारण से लाइफ में ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। और देखा जाए तो पहले पर्व की लेंथ अच्छी है तो इच्छा शक्ति ठीक रहेगी, सेकंड पर्व की लेंथ भी अच्छी है तो लॉजिकल नेचर भी आपका बढ़ता रहेगा, तो आगे चल करके आप हर बात के पीछे लॉजिक लगा के ही काम करेंगे तो ग्रोथ आपको, सक्सेस आपको अच्छी मिलने वाली रहेगी। पाम के साइज़ के विषय में आते हैं तो एक प्रकार से स्क्वायरिश हैंडी क्रिएट हो रहा है, तो हार्ड वर्किंग नेचर रहेगा, मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले जो प्रेरणा होती है वो आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, प्लानिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, एक्शन डायरेक्ट लेंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर आते हैं तो गुरु माउंट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, अच्छा उभरा हुआ है, तो इस कारण से आपके अंदर आत्म सम्मान अच्छा रहने वाला रहेगा। और यहाँ पर एक प्रकार से ये जो आड़ी रेखा जा रही है ये आपको स्पिरिचुअल अच्छे कनेक्शन को इंडिकेट करता है, तो जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा। और यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार से प्रोग्रेस की भी गई हुई है जिसके कारण क्रॉस का फॉर्मेशन हो रहा है, क्रॉस का गुरु पर फॉर्मेशन होना बहुत शुभ होता है क्योंकि ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है, तो जो पास्ट में आपके साथ हुआ है वो आपका प्रारब्ध था, प्रारब्ध मतलब कि वो लिखा हुआ था और वो आपको भुगतना ही था जो आप कहीं ना कहीं पिछले जन्म से लेके आए हैं, लेकिन अब देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव साइन है, तो आने वाला लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट आपका रहने वाला है, बहुत अच्छा मैरिज रहेगा और बहुत ही सक्सेसफुल मैरिड लाइफ आपकी ओवरऑल रहने वाली है। तो शादी के बाद उन्नति भी जीवन में अच्छी देखने को मिलेगी और स्पिरिचुअल यानी धार्मिक जितना आप रहेंगे जीवन में उतना ही पीसफुल यानी शांति आपके जीवन में बना रहेगा, उन्नति भी अच्छा मिलते रहेगा। सबसे और ख़ास बात यही है कि आपके लाइफ लाइन से भी बहुत अच्छी रेखा यहाँ पर गुरु के क्षेत्र तक जा रही है, तो इस कारण से ये यहाँ पर एक बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव नेचर को इंडिकेट करता है कि आप लाइफ में कभी भी थकेंगे नहीं, एम्बिशियस नेचर रहेगा, महत्वाकांक्षीपन रहेगा आपके अंदर, तो हमेशा लाइफ में नया नया ट्राई करते रहेंगे और अपने जीवन में और ज़्यादा चीज़ों को ऐड करते रहेंगे, यही रीज़न है कि धीरे धीरे कर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में बढ़ती रहेगी। इसके अलावा शनि पर आते हैं तो शनि पर्वत यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल है और शनि की भाग्य रेखा इस प्रकार से चल रही है जिस पर आपकी एक सहयोगी यहाँ पर हृदय रेखा ने काटा है, जब सहयोगी हृदय रेखा इस प्रकार से काटती है तो भाग्य में ये अवरोधक का काम करता है, तो आपका भाग्य जो कमज़ोर हो रहा है वो आपके नेचर के कारण हो रहा है कि जो आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, किसी पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेना या फिर एक्सपेक्टेशन किसी से बहुत ज़्यादा कर लेना, तो दिल से ज़्यादा सोचने के कारण और दिल से ही अत्यधिक निर्णय लेने के कारण आपका कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावट आ रहा है। आप खुद भी सोचिएगा कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल अपने पास्ट में रहते आपका बहुत अच्छा रहता, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं था, लेकिन इमोशनली जितने जितने एक्टिविटीज़ आपने की है या जो भी काम किया है उसमें आपका भाग्य कमज़ोर हो गया है और वो काम बिगड़ गया है, इसीलिए ध्यान रखना है आगे से ये सारी चीज़ों को भी। और सूर्य के क्षेत्र पर आते हैं तो सूर्य का क्षेत्र कुल मिलाकर के ठीक है, डेवलप है, तो आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा, बीच की ये नॉलेज लाइन अच्छे एडवाइज़र को इंडिकेट करती है, किसी को गाइड अच्छा कर सकते हैं, समझा अच्छा सकते हैं, क्योंकि लाइफ में जो है एक्सपीरियंसेस आप बहुत ज़्यादा गेन करेंगे। इसके बाद सूर्य रेखा यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर से ही प्रारंभ हुई है, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है ये, लेकिन कुल मिलाकर के ठीक है और अभी के टाइम में मल्टीपल सन लाइन होने के कारण थोड़ी ये कन्फ्यूज़न को इंडिकेट करता है जिसके कारण कोई भी डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं और किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता पड़ती है। क्रॉस का साइन नहीं है यहाँ पर और आगे चल करके
एक प्रकार से अच्छा वी सिंबल बन रहा है, तो आगे चल करके आपकी लाइफ में ग्रोथ अच्छा है, यानी 45 एज के बाद ही लाइफ में ग्रोथ, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी या यश कीर्ति जैसा हम कहते हैं वो आपको मिलने वाला रहेगा, और डबल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी रहेगी। होता यही आया है कि जो भी आप काम करते हैं उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता, कोई और ही ले जाता है। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा आपको जो है शनि के ऊपर ध्यान देना यानी रेमेडीज करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके गुरु के क्षेत्र की, तो गुरु का क्षेत्र के बाद, माफ़ करें, ये गुरु का क्षेत्र अच्छा था आपका, बुध के क्षेत्र की यहाँ पर बात करते हैं, तो बुध का क्षेत्र कुल मिलाकर के यहाँ पर नॉर्मल है, और बुध पर एक से अत्यधिक रेखा यानी मधुरभाषी नेचर को इंडिकेट करती है, तो मीठी बोली रहेगी आपकी, जितना मीठा और अच्छा बोली आप उपयोग करेंगे उतना ही आपको जो है काम आपके आसानी से बनने भी लगेंगे, और व्यापार के क्षेत्र में ये आपको अत्यधिक लाभ भी देगा। तो अभी ये लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके कंपैरिजन में देखें तो जितनी ये रेखाएं निकल रही हैं इस प्रकार से ऊपर की ओर, ये सारी की सारी व्यापार रेखा है, और हेल्थ में भी सुधार करती है ये, तो इस कारण से डाइजेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है और बिजनेस के क्षेत्र में ग्रोथ अच्छा मिलने के योग बनते हैं। इसके अलावा आते हैं हृदय रेखा पर, तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति है, तो बेसिकली आपका जो नेचर है फ्लर्टी, रोमांटिक, इस प्रकार का नेचर है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है, हंसमुख हास्य कवि, खुद भी खुश रहना, लोगों को भी खुश रखना, इस प्रकार का नेचर है। और यहाँ पर हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा इस प्रकार से निकलते हुए सीधे यहाँ पर गुरु से कनेक्टेड है। जब गुरु से कनेक्टेड होता है हार्ट लाइन, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और लॉयल नेचर का देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद और ईमानदार इंसान है, कभी किसी का चाह करके भी आप बुरा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ जैसे कटु वचन जरूर बोल सकते हैं, जैसे, और ये कटु वचन आप सामने वाले के लिए भलाई के लिए कहते हैं। आपके साथ नॉर्मली ऐसा होगा कि बहुत बार आप किसी को कोई बात बोलेंगे, सामने वाला बोलेगा नहीं आप गलत बोल रहे हो, बाद में वही व्यक्ति आके आपको बोलेगा कि नहीं आप सही कह गए। तो ये होता है इमोशनल नेचर, और गुरु से जब कनेक्टेड होती है हार्ट लाइन तो उसका असर, तो इमोशनल नेचर पे बेसिकली कंट्रोल रखना है आप, बहुत ज़्यादा ही इस कारण से आपका मूड स्विंग भी होने वाला रहेगा, और कोई भी व्यक्ति इजिली आपके इमोशन से खेल सकता है। और सीधे यहाँ से रेखा निकल के मंगल पर भी गई है, तो मांगलिक होने के योग होते हैं, तो गुस्सा थोड़ा ख़राब होता है, इरिटेट, फ्रस्ट्रेशन, फास्ट डिसीजन, इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है। इन सारी चीज़ों से जैसे ही बच करके रहेंगे प्रोग्रेस लाइफ में अच्छी होने लगेगी। इसके बाद नीचे की ओर रेखाएं अभी आ रही हैं, और देखा जाए तो सूर्य पर भी एक स्क्वायर टाइप ऑफ फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो खुद की प्रॉपर्टी बनने के योग आपके 45 के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल रहा है यहाँ पर लाइफ लाइन के, तो बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दीपन को ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट नेचर के हैं, जिसके कारण किसी के अंडर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, कोई आपके ऊपर बॉस गिरी झाड़े, लीडरशिप करे, पसंद नहीं है, आप अपने खुद के मालिक हैं। दूसरा, इस कारण से ज़िद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से ही हर प्रकार की सुख सुविधाएँ या इंडिपेंडेंसी मिली हुई है, तो वो आदत है, तो अपनी ज़िद्द पर आप अड़िग रहते हैं और अपनी ज़िद्द का पूरा भी करते हैं। माइंड लाइन यहाँ पर लॉन्ग है, तो दिमाग से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं आप, जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का या दिक्कत परेशानियों का सामना हंसते खेलते कर लेंगे, पुराने से पुरानी बातें भी आपको याद रहेंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, यानी सीधे रूप से बातचीत करना आपको पसंद रहेगा, लॉजिकल नेचर भी रहेगा आपका, और माइंड लाइन से हल्की हल्की रेखाएं जो है ऊपर की ओर उठना भी शुरू हो गई हैं, जो बताती है कि आप जो डिसीजन सब लेंगे अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा वो आपको शुभ फल प्रदान करने वाले रहेंगे, यानी व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिलने के योग अच्छे हैं। लाइफ लाइन पर आते हैं, तो लाइफ लाइन आपका 35 के उम्र तक पूरा डिस्टर्ब है, एकदम बैलेंस नहीं चल रहा है, यही रीज़न है कि जीवन में उतार चढ़ाव आपके लगा ही है 35 के बचपन से लेकर अभी तक। एक सहयोगी रेखा जीवन में जरूर चल रही है, जो बताती है कि तकरीबन यहाँ पर 32 के उम्र के बाद से कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट किसी ना किसी का प्रारंभ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उसके कारण से जो भी दिक्कत परेशानी है उसमें कमी भी आएगी, और जो आपका एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा जो भी है वो पूरे होने के योग भी रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो मंगल का क्षेत्र थोड़ा सा पीड़ित है, यहाँ की आड़ी रेखा भाइयों के अच्छे सहयोग को और अच्छे संपत्ति को इंडिकेट करती है, लेकिन ये जो रेखाएं थोड़ी यहाँ पर इस प्रकार से काट के जा रही है ये नेगेटिव है, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ता है। आपका क्वेरी एक था कि विदेश जाना कैसा रहेगा, गाँव में या फिर स्टेट में या सिटी में कैसा रहेगा रहना, तो देखिए जन्म स्थान से दूर जाने के योग तो हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट आपका नहीं होगा, बर्थ प्लेस से दूर कुछ टाइम स्पेंड जरूर करेंगे लेकिन वापस अपने बर्थ प्लेस पर ही आने वाले रहेंगे, क्योंकि फैमिली से बहुत अच्छा कनेक्शन, बॉन्डिंग और अटैचमेंट दिख रहा है, और फैमिली से आपको लाभ भी बहुत मिलेगा, क्योंकि शुक्र से निकलने वाली जब रेखा बुध
तक जाती है, तो फैमिली से नहीं तो प्रॉपर्टी मिलता है, नहीं तो इन किसी न किसी वे में मनी मिलता है, या फिर कुछ ना कोई बिजनेस हैंडओवर होता है, तो उसके द्वारा जो है दिनचर्या चलने लगता है और लाभ मिलने के योग बनते हैं। तो फैमिली के द्वारा सुख जो है अच्छे मिलने वाले रहेंगे। इसके अलावा शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, शुक्र एरिया बहुत अच्छा ले रहा है, तो ये लग्जीरियस लाइफ को, अच्छे रहन सहन, खान पान, दिखावटी चीज़ों को, हर प्रकार की सुख सुविधा आपके पास रहेगी, उसको ये बताता है। लेकिन यहाँ की जो इतनी गाढ़ी आड़ी रेखाएं हैं, जो लाइफ लाइन को भी अटैच यहाँ पर टच कर रही है, ये मेरिड लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करता है कि मेरिड लाइफ को लेकर के आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे, और मनी को लेकर के भी थोड़ा चिंतित आप अपने जीवन में रह सकते हैं, खर्चे भी इस दौरान आपके ज़्यादा रहेंगे। तो शुक्र थोड़ी कामुकता को भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, जो कि नॉर्मल है, और मोह माया की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के जाता है। तो अभी के टाइम पे क्या करना है आपको, अपने आप पे कंट्रोल रखना है, ज़्यादा जो इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं साइड में रखना है, अपने काम पे ध्यान देना है, और थोड़ा सा टाइम का और वेट करना है। आपका मेरिज जो है 2022 के बाद होने के योग बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ रहेगी आपकी, उसके बाद बहुत ही लग्जीरियस लाइफ। बस इस टाइम तक का वेट कर लेना है आपने, और शुक्र के भी थोड़े रेमेडीज़ करने हैं ताकि इसमें और ज़्यादा सुधार हो। अदरवाइज़ देखें तो केतु माउंट यहाँ पर नॉर्मल है, और केतु पर एक प्रकार से हल्का सा फिश सिंबल भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो ये एक प्रकार से आपको जो है धर्म कर्म के माध्यम से उन्नति अच्छा देने वाला यहाँ पर रहेगा, और थोड़े रहस्यमय किस्म के भी आप रहेंगे, आपको बहुत कम लोग ही समझ पाएंगे। इसके बाद बात करें चंद्र के क्षेत्र की, तो चंद्र के क्षेत्र की यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ी बेचैनी को इंडिकेट करती है, तो जो आपके अंदर फास्ट डिसीजन लेना या रिजल्ट की जल्दी चाहत होना, तो ये बेचैनी को भी इंडिकेट करता है, और बेचैनी के साथ साथ एनजाइटी भी होती है। एनजाइटी यानी बेजबरन की डर, भय, चिंता, मन विचलित होना, ये सारी चीज़ भी होने लगती है, तो इस कारण से मन जो है कंट्रोल में नहीं रहता, इधर उधर भागने वाला रहता है। इस पे भी थोड़ा सा आपको जो है काम करना रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ देखा जाए तो इधर से जितनी ये रेखाएं निकल रही हैं ये आपके लिए बहुत शुभ है। अभी ये रेखाएं टूटी हुई हैं, उपाय करेंगे, ये रेखा धीरे धीरे करके मजबूती होंगी, और उसके बाद से व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ मिलने के योग बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पर देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे गैप हर जगह क्रिएट हो गए हैं, जिसके कारण मनी का लीकेज हो जाता है, लेकिन आगे चल के जीवन में धन भी अच्छा आएगा, रुकेगा भी, और उसका सदुपयोग भी होगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।